वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि ये आपने देखा कि कैसे अलाइनमेंट हो रहा था। सीक्वेंस अलाइनमेंट में कई सारे एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, ठीक है, कई सारे एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। याद रखना क्या होता है, जी जनरल लाइफ साइंस, याद रखना एक कोड जनरल लाइफ साइंस, ठीक है। जनरल लाइफ साइंस के बारे में क्या बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। अलाइनमेंट जो हो सकते हैं वो आपके लोकल भी हो सकते हैं या ग्लोबल भी हो सकते हैं। ग्लोबल एंड लोकल के बारे में क्या मतलब है, ग्लोबल में जो एल्गोरिदम लगता है वो लगता है नीडलमैन एंड वुंच एल्गोरिदम एंड स्मिथ एंड वाटरमैन लगता है आपके किसमें, लोकल में। कोड क्या है, दैट इज व्हाट, उसी कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, हालांकि उस साइड आपको दिख नहीं रहा है, तो GNLS याद रखना, ठीक है। जनरल मतलब ग्लोबल अलाइनमेंट नीडल मैन एंड वुंच एंड लोकल अलाइनमेंट फॉर द स्मिथ एंड वॉटरमैन। समझ में आया, दैट इज व्हाट द कोड जनरल, ठीक है, जनरल लाइफ साइंस याद रखना, हमेशा कभी नहीं भूलेगा कोड के फॉर्म में, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इससे क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा एल्गोरिदम किसमें यूज होता है, आया है, देखा है कभी, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया। तो अब क्या होता है देखने की कोशिश करना, ठीक है, क्या जनरल और लोकल अलाइनमेंट क्या होता है वो बताऊं। ये समझ में आ रहा है कि जनरल और लोकल अलाइनमेंट क्या होता है। बताओ, देखो, अगर एक सीक्वेंस पूरा का पूरा, ये सीक्वेंस है, अब पूरा का पूरा इंड टू इंड अलाइन कर रहे हैं, इंड टू इंड अलाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल, इसको बोलेंगे ग्लोबल। और किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को सिर्फ अलाइन करते हैं, पूरे में से सिर्फ इतना अलाइन कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, लोकल। स्पेसिफिक सेगमेंट को करेंगे तो लोकल बोलेंगे, होल सीक्वेंस को करेंगे इंड टू इंड या होल सीक्वेंस को करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्लोबल। क्लियर है, चलो बढ़िया। कुछ लोगों को पता है ग्लोबल और ये सारी चीजें। एक कॉन्सेप्ट आता है भैया टपल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, टपल कॉन्सेप्ट की के टपल तीन है, चार है, पांच है, कितना बनेगा, क्वेश्चन आया हुआ है, देखो वही क्वेश्चन उठा के रखा हुआ है। MADCMW डिजीज, ये क्या है, मैड सीएमवी या मैड काउ डिजीज, कुछ इस तरीके से मैड इसमें रखा हुआ है, इसमें कितना पर्टिकुलर जो होगा पर्टिकुलर के टपल बनेगा, टोटल के टपल 11 बनेगा। कैसे देखिएगा, 3 के टपल अगर लेके चलोगे तो कैसे चलता है मैं वो बताता हूं, फिर आपको शॉर्टिक बताने वाला हूं। देखना, पहला के टपल पहला बनेगा मैड, फिर बनेगा एडीसी, फिर तीसरा बनेगा डीसीएम। जैसे ओपन रीडिंग फ्रेम में कोडॉन्स नहीं बनते हैं, जैसे ओपन रीडिंग फ्रेम में कोडॉन्स नहीं बनते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम में एग्जैक्टली यहां पे बनता है कि उसी तरीके से एक एक करके छोड़ते चले जाओ, 3 फिर 3 एडीसी, फिर ये 4 बनेगा सीएमवी, फिर उसके बाद आप देखोगे तो क्या बनेगा एमडब्ल्यूडी, फिर उसके बाद बनेगा ये आपका आ जाएगा डब्ल्यूडीआई, फिर उसके बाद आ जाएगा डीआईएस, फिर आ जाएगा आपका 8वां दैट इज आईएसई, फिर आ जाएगा 9वां दैट इज एसईए, फिर आ जाएगा 10वां ईएएस एंड फिर आ जाएगा एएसई। समझ में आया, तो टोटल 11 टपल बन रहे हैं यहाँ पे। सीक्वेंस काउंट करोगे तो सीक्वेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, सीक्वेंस क्या आ रहा है, सीक्वेंस जरा सा काउंट करके बताओ कितना आ रहा है, तो जी हाँ जी कितना आ रहा है सीक्वेंस, 13 आ रहा है, बढ़िया है, ठीक है। होल सीक्वेंस को कर रहे थे तो ग्लोबल कर रहे थे और शॉर्ट को कर रहे थे तो लोकल कर रहे थे। चलो एक फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूला को अप्लाई करना, क्या फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक के लिए, ये तो लॉन्ग ट्रिक है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ अमीनो एसिड और डीएनए माइनस नंबर ऑफ टपल माइनस वन, नंबर ऑफ टपल माइनस वन, वो कर लेना, आपका आंसर निकलता चला आएगा,
ठीक है, नंबर ऑफ टपल माइनस वन। शॉर्ट ट्रिक ये याद रखना कि शॉर्ट ट्रिक फॉर द के टपल एन टपल के लिए, के टपल जो होता है नंबर ऑफ, ये आपका प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के लिए नीचे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड के लिए नंबर ऑफ टपल माइनस वन होता है, और न्यूक्लियोटाइड के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड माइनस एन माइनस वन, दैट इज एन इज द नंबर ऑफ टपल। इज इट क्लियर? कितने टपल का है एग्जैक्टली प्रोटीन और इस चीज के लिए होता है। कितना भी सीक्वेंस दिया, अब देखना फॉर्मूले से कैसे निकलता, फॉर्मूले से कैसे निकलता, टोटल आपने बताया था 13 था, 13 रखा, 13 माइनस 3 टपल था, माइनस 1 11 आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करना किसी भी सीक्वेंस के लिए। इज इट क्लियर गाइस? चलो बात करते हैं ब्लास्ट, फास्टा, इन सब चीजों के बारे में। के टपल जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं ब्लास्ट और फास्टा के लिए, ठीक है, ब्लास्ट और फास्टा। ब्लास्ट को बोलते हैं बेसिक सर्च, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं ब्लास्ट को, क्या बोलते हैं, याद है किसी को पूरा नाम? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। फास्टा का क्या नाम होता है, फास्टा का क्या नाम होता है, किसी को पता है? चलो, फास्ट अलाइनमेंट सर्च टूल एल्गोरिदम, ठीक है। चलो अब इसी के बेसिक, आपका ब्लास्ट और फास्टा का फुल फॉर्म होता है, इसी के ऊपर मूव करने की कोशिश करेंगे। देखना ब्लास्ट में जो होता है, सिमिलर सीक्वेंसेस सर्च करते हैं, आइडेंटिकल के लिए करते हैं, मोर फास्ट होता है, हालांकि नाम में फास्टा में फास्ट होता है, नाम फास्टा में फास्ट होता है, लेकिन फास्ट होता है ब्लास्ट आपका। एनसीबीआई यूज करता है, इसमें प्रोटीन का जो के टपल होता है वो होता है 3, प्रोटीन का के टपल होता है 3, न्यूक्लियोटाइड का के टपल होता है 11, न्यूक्लियोटाइड का 11 होता है। फास्टा में ये होता है, क्या होता है फास्टा में, आइडेंटिकल मैचेस कहते हैं कि ये फाइंड करना जरूरी नहीं होता, लेस फास्ट होता है, एबीआई पे होता है। प्रोटीन का के टपल 1-2 होता है और डीएनए का 4-6 होता है। जितना कम के टपल करोगे उतना ही बार वो उतने नंबर ऑफ के टपल्स को बनाएगा, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ टपल्स है, ठीक है, जो कि टपल्स है, तो आपका टोटल के टपल जो होगा वो ज्यादा बनेगा। जितना ही ये कम होगा नंबर ऑफ के टपल, अगर आप देखोगे प्रोटीन के केसेस में, तो उतना ही वो आपका टपल साइज जो है, यहाँ पे अगर 3 टपल साइज है तो 13 अमीनो एसिड के लिए, 13 अमीनो एसिड के लिए यहाँ पे के टपल बन रहा था 11, और यहीं पे अगर मैं 1 मान के चलूंगा तो इसके लिए 13 के टपल बनेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 1-1 जीरो हो जाएगा, 13 के टपल बनेगा। तो एग्जैक्टली टपल का नंबर बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से जो साइज होता है ये आपका चेंज हो जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। याद रखना ये प्रोटीन का के टपल 3 होता है, न्यूक्लियोटाइड का 11 होता है, पूछा जा चुका है। फास्टा के लिए 1-2 और 4-6 होता है जो टपल साइज होता है। दिस इज व्हाट द टपल साइज, ये क्या है, ये टपल का साइज है, एक टपल का साइज है, सिंगल टपल साइज। नाउ मेथड जो होते हैं के टपल मेथड में, वर्ड्स मेथड होते हैं, वर्ड साइज को करते हैं, डेटाबेस क्या करते हैं, एलिमेंट नीडेड फॉर द क्यूरी बेस्ड सिमिलरिटी सर्च, क्या किया जाता है, डेटाबेस या क्यूरी सीक्वेंस को स्कोरिंग मैट्रिक्स से मैच किया जाता है, इफिशियंट सर्च प्रोग्राम को फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बाद रिजल्ट दिया जाता है। मैं आपको बहुत डिटेल में इसको नहीं बताने वाला हूं पूरे प्रोसेस को, ठीक है, जस्ट आपको ब्लास्ट और फास्टा समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं बता रहा हूं, बिकॉज हमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ज्यादा फोकस करना है। इसके पूरे स्टेप्स होते हैं, आप रीजन को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसके बाद स्कैन करते हो। बस मैं डायग्राम बेस्ड पे आपको समझाऊंगा कि आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ हॉटस्पॉट, फिर रीजन यूजिंग द स्कोरिंग मैट्रिक्स क्या करेंगे, इनिशियल रीजन फाइंड आउट करोगे, स्टार्ट करोगे और आगे चलते चले जाओगे अलाइनमेंट स्कोर के बेसिस पे, अलाइनमेंट स्कोर के बेसिस पे चलते चले जाओगे, जहां से 50% से कहते हैं ना कि 50% फास्टर होते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग से। और इसमें देखिएगा, पहले आप क्या करेंगे कि पहला स्टेप जो होता है, इस देखने की कोशिश करना क्या होता है पहले स्टेप में, कि इनिशियल अलाइनमेंट करने के बाद कुछ कुछ मैच मिलेगा, कुछ कुछ मैच मिलेगा, ये सीक्वेंस वन और सीक्वेंस टू के बीच में कुछ मैच मिले हैं। अब मैच में क्या करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर मैच के देखने की कोशिश करिएगा, नॉट लाइक दैट। सो ये होगा फर्स्ट सीक्वेंस, इसमें क्या है कि जब आप मैच करोगे तो कुछ कुछ छोटे छोटे मैच मिलेंगे इस तरीके से,
इस तरीके से मैच मिलेंगे। अब इन मैचेस को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे जो कंजुकेटिव रीजंस होते हैं, जो ज्वाइन करोगे कुछ कंजुकेटिव रीजंस को आपने इस तरीके से ऐड किया। ऐड करने के बाद आप स्कोर कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे स्कोर कैलकुलेट करते हो, और स्कोर जो होना चाहिए, जो इनिशियल स्कोर होता है, जो इनिशियल स्कोर होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए, स्कोर कैलकुलेट करते हो। एक पेनल्टी होती है, अभी वो फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे हम। फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, गैप, एक्सटेंशन गैप, सारी चीजें तो एक्सटेंड करेंगे इनको, थोड़े थोड़े इन सबको एक एक साथ जोड़ते चले जाएंगे, गैप पेनल्टी देते हुए जोड़ते चले जाए, इतना बड़ा आ गया। फिर इसके बाद इस सब में इनिशिएट करेंगे, बड़ा वाला सेगमेंट से इनिशिएट करेंगे और गैप पेनल्टी के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे, और फाइनली ओवर स्कोर को हम माइंड में रखते हुए जोड़ेंगे, ताकि हमारा ये जो फाइनल सिक्वेंस इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये होता है फास्टा का काम, इसी तरीके ब्लास्ट भी चलता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, इसी तरीके से चलता है। बस आपको करना क्या होता है, गैप को रिमूव करने के लिए यहाँ पे गैप की पेनल्टी होती है। दो तरीके की गैप की पेनल्टी होती है, एक होता है इनिशिएशन पेनल्टी, गैप की इनिशिएशन पेनल्टी होती है, और एक्सटेंशन पेनल्टी होती है। होता है गैप पेनल्टी, अभी हम उसके बारे में देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। फास्टा के वेरियंट्स के बारे में बात करते हैं, फास्टा के कई अलग अलग वेरियंट्स होते हैं। फास्टा एक्स या वाई जो होता है, फास्टा एक्स और वाई में क्वेरी जो होता है डीएनए होता है, और इसका डेटाबेस प्रोटीन होता है, इंट्रैक्शन जो होता है प्रोटीन होता है। ट्रांसलेटेड फास्टा एक्स या ट्रांसलेटेड फास्टा वाई में क्वेरी प्रोटीन होता है, क्योंकि नाम में टी का मतलब होता है ट्रांसलेटेड, टी जो होते हैं ये होता है ट्रांसलेटेड, इसमें प्रोटीन क्वेरी होता है, डाटाबेस डीएनए होता है, उल्टा हो जाता है, और इंट्रैक्शन अभी भी प्रोटीन होता है। इज इट क्लियर? ये फास्टा के वेरिएंट करने का फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेन सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। गाइस, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए, ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।